स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में 1.2 का वो है फिजिकल क्वांटिटीज जिस तरह मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको डिस्कस किया कि फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर फॉर एग्जाम्पल आपके बुक का लेंथ आप पेन को का इसकी मास वगैरह अब इस फिजिकल क्वांटिटीज को हमने टू टाइप्स में टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया नंबर वन है बेस क्वांटिटीज और अनदर है डिराइव्ड नंबर वन है बेस क्वांटिटी बेस क्वांटिटीज कौन से क्वांटिटीज होते हैं मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज सेलेक्टेड इन दियर यूनिट आर डिफाइंड उसके यूनिट्स क्या होंगे डिफाइंड एंड स्टैंडर्डाइज सच दैट इन टर्म ऑफ दीज ऑल other physical quantities can be expressed or called base quantities. ये हमारे base quantities. इस base quantities को जिसको आप लोग बुनियादी quantities भी कह सकते हैं हम उसको other quantities के साथ compare करते हैं इसका दूसरा पार्ट है derived क्वांटिटीज नाम से जाहिर है कि ये वो क्वांटिटीज होंगे जो कि बेस से लिए गए बेस से अखज किए गए बेस क्वांटिटी से अखज किए गए इसका नाम है derived क्वांटिटीज इट इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइंड इन टर्म ऑफ बेस This is called derived quantities. अब इस physical quantities को और इसके classified form पर हम इसमें units इस्तेमाल करते हैं। 1960 से पहले different countries के different इलाकों के different units थे। लेकिन फिर 1960 के बाद एक international system राइज किया गया जिसको हम SI यूनिट